दोस्तों नमस्कार, मिसाल एकेडमी के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं जो कि 2020 का है। अब 2020 के जनवरी से हम लोगों ने शुरू किया था और पढ़ते पढ़ते अब हम लोग मई में आ गए हैं, तो ये जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मई के हैं, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आपको दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं बहुत दोस्तों मेहनत से इकट्ठा करते हैं, आप बहुत इसको अच्छे से पढ़ा करिए। इसमें एक भी फालतू का क्वेश्चन हम नहीं डालने का मतलब संकल्प लिए हैं कि कोई भी एक फर्जी क्वेश्चन हम नहीं डालेंगे दोस्तों। तो आप लोग इसको बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से पढ़िए, लिखिए और इसकी व्याख्या को ज़रूर सुनिए ध्यान से, क्योंकि कभी कभी हमने कई बार बताया है आपको सीधे सीधे करंट अफेयर्स से ना पूछ करके उसकी व्याख्या से पूछ लेते हैं, उसके अंदर के भाग से पूछ लेते हैं, तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, कंपाला कन्वेंशन संबंधित है दोस्तों या आंतरिक विस्थापन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग किसी कारण से जा करके जो बस जाते हैं या अपने देश को छोड़ करके किसी और अन्य जगहों पर चले जाते हैं, इसका बहुत बार कारण होता है, कभी कभी भूकंप के कारण, कभी आंधी तूफान के कारण, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, या कभी कभी आप देखते होंगे सांप्रदायिक दंगे के चलते, जैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, वो आ करके आज देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, तो यही होता है आंतरिक विस्थापन। दरअसल इसकी रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापन की समस्या है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कंपाला कन्वेंशन आंतरिक समस्या से, आंतरिक विस्थापन से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला, भारत में सामरिक कच्चे तेल के भंडार, भारत में सामरिक कच्चे तेल के भंडार वर्तमान में हैं, इसका मतलब आप अच्छे समझिएगा। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, सामरिक कच्चे तेल के भंडार, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि अभी आपको पता है कि भारत में तेल का आयात लगभग बंद हो चुका है, बाहर से जो आयात आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 जो आज पूरे विश्व में फैल चुका है, तो भारत ने भी कच्चे तेल का आयात लगभग अभी बंद कर रखा है। तो वही ये चर्चा में आ गया है कि ऐसा है कि भारत कितना दिन तक ऐसे चला सकता है, तो ये सब चर्चा में है, तो ये चारों स्थान भी चर्चा में आ गए हैं। तो आप पहले तो इनका स्थान जान लीजिए, सामरिक कच्चे तेल भंडार का मतलब होता है कि ऐसा तेल जो आपातकाल में इस्तेमाल किया जाए, तो आपातकाल में इस्तेमाल किए जाने की जो क्षमता है भारत की लगभग 87 दिन है, 87 दिन तक भारत बिना तेल आयात किए कम से कम अपना काम चला सकता है। तो और जहाँ जहाँ तेल के भंडार हैं, और तेल के भंडार आपको पता है ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे गहरा गहरा कुआं खोद करके उसी में सुरक्षित रखा जाता है, तो ये विशाखापत्तनम में है, मंगलौर में है, चंदीखोल में है और पादुर में है। ये स्थान आपसे पूछ सकता है कि भारत में सामरिक कच्चे तेल के भंडार कहाँ स्थित हैं, तो ये चारों अक्षर चारों नाम आप याद रखेंगे तो आप इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि इसमें से कहाँ पे हैं, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलौर कर्नाटक में है, चंदीखोल उड़ीसा में है और पादुर कर्नाटक में है। और इसमें एक बात विशेष आपको याद रखना है कि चंदीखोल और पादुर में और भी इसका विस्तार किया जा रहा है, इसलिए चंदीखोल और पादुर आप अवश्य याद रखिएगा। चकमा एवं हजोंग जनजातियां चर्चा में हैं, चकमा एवं हजोंग जनजातियां चर्चा में हैं। दोस्तों कोविड-19 के चलते जो खाद्य सुरक्षा घोषित की गई है, हिंदुस्तान में जितने कर्मचारी हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जो गरीब हैं, मनरेगा मजदूर हैं, किसान हैं, उन सबको खाद्य सुरक्षा PDS सिस्टम के माध्यम से फ्री में अनाज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस व्यवस्था में चकमा एवं हजोंग जनजातियां शामिल नहीं की गई हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी प्रॉब्लम में हम लोग नहीं जाते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि चकमा एवं हजोंग जनजातियां जो है वो हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, पाकिस्तान से भी ये आई हैं, कुछ बांग्लादेश म्यांमार से भी आई हैं
और वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में ये रहती हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चकमा एवं हजोंग जनजातियाँ रहती कहाँ हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं। मिशन वंदे भारत एवं समुद्र सेतु योजना क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसको चलाया है, जो कोविड 19 के चलते भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं वो विदेशों में फंस गए हैं, तो वंदे भारत तो एरोप्लेन के माध्यम से लाया जाएगा और समुद्र सेतु जो है वो अपनी नौसेना समुद्र की जहाज होती है उससे भारत में जो भारत के लोग हैं जो विदेश में फंसे हैं उनको लाने की ये एक योजना है, उनको लाने का यह एक मिशन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि कोरोना के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत में लाने की योजना है। RCEP चर्चा में क्यों, RCEP पहली चीज़ तो आप इसको अपने रफ में नोट करिए, RCEP और इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सीधा सीधा इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा में है और भारत इसमें शामिल होने वाला है। ये एक संगठन है, इकोनॉमिक संगठन है जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। इसमें दोस्तों जितना इधर हिंद महासागर और थोड़ा सा प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र के देश हैं इसमें सब शामिल हैं और आर्थिक गतिविधियों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आप देख ही रहे हैं वर्तमान समस्या कितनी जटिल हो चुकी है, इसीलिए भारत इसका सदस्य बन करके भारत भी इसका लाभ लेना चाहता है। तो आप इसको याद रखिएगा RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इसका सदस्य बनने वाला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किस जानलेवा गैस का रिसाव हुआ, तो ये स्टायरीन गैस है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद रखिएगा कि स्टायरीन गैस का रिसाव कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ। ऐसे पूछेगा आपसे विशाखापत्तनम में कौन सी गैस लीक हुई जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई, तो यह गैस है स्टायरीन गैस, इसको आप दोस्तों याद रखिएगा। फेलूदा क्या है, तो ये दोस्तों एक कोरोना का टेस्टिंग किट है, भारत में बनाया गया है, बहुत सस्ता है और ये इतना छोटा है कि इसको पॉकेट में भी रखा जा सकता है, और बहुत बड़ी बात है कि केवल और केवल 30 मिनट के अंदर ये कोरोना का टेस्ट करके रिजल्ट बता देता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेगा फेलूदा क्या है और चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको मारना है कोरोना का टेस्टिंग किट है। ऑपरेशन मिशन सागर क्या है, तो ये नौसेना का जहाज केसरी जो कि मदद के लिए निकला है, इसका विस्तार थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। ऑपरेशन मिशन का उद्देश्य यह है कि जो हिंद महासागर में स्थित देश हैं उनकी हेल्प करके भारत उनको अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस समय चाइना कितना एक्टिव हो गया है, तो भारत का ये जो मिशन है वो जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि जो भी हिंद महासागर में देश हैं जैसे उनको हम लोग देख लें, मालदीव है, मॉरिशस है, सेल्स है, मेडागास्कर है, ये सारे देश हैं, तो इनमें डॉक्टर के साथ जाएंगे, खाद्य वस्तुएं होंगी, दवाइयां होंगी, काफ़ी सामान होगा जाके उन सबके देश में हमारे जो डॉक्टर हैं वो इनका इलाज करेंगे, ठीक करेंगे, यही सब इसमें है, इसको याद रखिएगा। कैलाश मानसरोवर लिंक सड़क किन दो स्थलों को जोड़ेगा, अभी ये चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि चाइना और आपको पता है नेपाल इस समय काफ़ी एक दूसरे की मिल गए हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे कम्युनिस्ट सरकार है, तो वो लोग आपस में मिल करके भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये विवाद बार बार हो जाता है। तो कैलाश मानसरोवर लिंक जो है वो उत्तराखंड में विवादित है, और ये धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ेगा, आपको पता है कि उत्तराखंड में लिपुलेख, नीति और माना तीन दर्रे उत्तराखंड में है, लिपुलेख, नीति और माना, और यही सब विवाद है, चूँकि नेपाल से सीमा लगी हुई है इसलिए विवाद है, तो आप इसको याद रखिएगा कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा। इसी संबंधित थोड़ा सा है, सुगौली की संधि कब और किनके बीच हुई थी, तो दोस्तों सुगौली की संधि जो है
वो 1816 में हुई थी, नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। और आपको पता है कि थोड़ा सा यहाँ विवाद है, आपने सुना होगा काला पानी का विवाद है, अभी ये आपको ऊपर बताए ही हम, लिपुलेख दर्रे का विवाद है, तो इसको याद रखिएगा। आपसे यही पूछ लेगा सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी, क्योंकि ये भी विवादित हो गया है, आप याद रखिएगा। परिसीमन आयोग चर्चा में क्यों? दोस्तों, परिसीमन आयोग चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के लिए गठित किया गया है, और जम्मू कश्मीर में अब जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का काम यह होता है कि जो क्षेत्र इधर से उधर जोड़ दिए, कभी कभी देखिए गांव में आप सुनते होंगे कि इस बार प्रधानी का इलाका अपना इधर था, इस बार उधर चला गया, बीडीसी का इधर था, इस बार उस गांव में चला गया है। कभी कभी देखिए विधायकी में होता है, पता लगा आपकी विधानसभा कोई दूसरी है, अगली बार कोई दूसरी बन जाती है। तो परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों को जोड़ता और घटाता रहता है, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधायकी का हो, सांसदी का हो, इन सब का काम रहता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए अभी ये गठित किया गया है, और यही आपसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 82 में है, आप याद रखिएगा। चीन द्वारा किस क्षेत्र में 5G नेटवर्क स्थापित किया गया? माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको पता है चाइना विस्तारवादी देश है, तो नेपाल में भी अपनी पैठ जमा लिया है, हमने आपको पहले ही बताया था, तो माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र नेपाल में ही आता है। तो आप अच्छे जानते होंगे कि वहाँ लगा करके भारत की यह क्या कर सकता है, भारत की जासूसी भी कर सकता है, इसलिए ये भारत में चर्चा में है, आप इसको याद रखिएगा। पैंगोत्सो झील चर्चा में है। दोस्तों, यह भी विवादित है, लद्दाख में है, आप इसको नाम को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लद्दाख में यह झील है, काफ़ी विवादित रही, चर्चा में रही, इसलिए हमने कहा आपको बता दें, पूछ सकता है यह झील कहाँ पर है। अगला, IBG क्या है? IBG वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, IBG का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसका मतलब होता है। इसका गठन मेजर जनरल के नेतृत्व में, इसमें 5000 सैनिक के साथ किया गया है। यह जो IBG है वो पाकिस्तान एवं चीन के बॉर्डर पर किसी भी एक्शन पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो गई है। इसकी नियुक्ति भी की जा चुकी है, और आपको पता है कि सेना का जो पश्चिमी कमांड है वही इसका कमांड संभाल रहा है। और आपको पता है ये जो IBG है अभी ज़्यादातर राजस्थान एवं पंजाब क्षेत्र में हैं, ये लोग एक्शन लेने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हैं और बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की, और इसके गठन के पश्चात आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ के आम लोग परेशान हो गए हैं कि इतना बड़ा निर्णय भारत ने ले लिया है। तो भारत की सेना भी अब अच्छे जवाब देना सीख गई है। और आपको ये भी पता है गिलगित और बल्टिस्तान, इसको भी याद रखिएगा, जो कि हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है, गिलगित और बल्टिस्तान में भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान को कह दिया है कि यह क्षेत्र हमारा है और आप इस क्षेत्र को खाली करके वापस चले जाइए। और आपको पता है कि अभी हाल ही में आतंकियों को मारा जा रहा है, आपने कई जवान भी शहीद हो गए हैं, तो इस बीच IBG बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी, वर्षाय की संधि के माध्यम से की गई थी। अब आप सोचेंगे कि ये हम क्या करें रट के, नहीं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कोरोना के चलते कहीं कोई फैक्ट्री खुली नहीं है, और जितने भी फैक्ट्री वाले हैं वह श्रमिकों को उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, उनका इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने चेतावनी दी है कि अगर फैक्ट्री मालिक या कोई भी मालिक श्रमिकों के साथ भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ करारा एक्शन लिया जाएगा। तो आपसे यही पूछ सकता है कि ये कब स्थापित किया गया था, तो 1919 में वर्षाय की संधि से। चर्चा में रहा कंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है,
तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेंगलुरु में स्थित है और चर्चा में कैसे आ गया, तो दोस्तों यह भारत का ही नहीं पूरे मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से सर्वाधिक प्रभावित राज्य असम। अभी हाल ही में आपको पता ही है कि लोग कोरोना से तो परेशान ही हैं, असम में एक नई समस्या आ गई, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू या सुअर की बीमारी है। सुअर आप जानते होंगे, पिग की, सुअर की बीमारी है जो कि असम में फैली और काफ़ी नुकसान हुआ। और आपको ये भी बता दें, सुअर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में ही है, तो आप इतना याद रखिएगा। चर्चा में रही अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई, तो यह सन 2015 में प्रारंभ की गई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस योजना के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह अब इसलिए अभी इस पर कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन COVID-19 के चलते कुछ हो नहीं पाया, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें पूछ सकता है कि क्या है, तो अटल पेंशन योजना दोस्तों आपको पता है असंगठित क्षेत्र के जितने कर्मचारी हैं उनको एक पेंशन की योजना है, 60 वर्ष के पश्चात उनको कुछ पेंशन दी जाती है, हालांकि 18 से 40 मतलब इसमें कुछ निवेश भी करना पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें 18 40 के बीच में निवेश करते हैं, ये आप मत याद रखिए, बस आप इतना याद रखिए कि अटल पेंशन योजना 2005 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है और 60 वर्ष पूरा होने के पश्चात कुछ पेंशन वगैरह दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।